सीपीएस दो लाइन रख लिया अपने लिए, एक का नाम है क्लॉक, एक का नाम है डाटा, उसपे क्या दिया अपन ने वोल्टेज, क्या दिए वोल्टेज, वोल्टेज दिए, क्या दिए वोल्टेज, वोल्टेज आया कहाँ से हमारा, देखो वोल्टेज आते ही जा रहा है दोनों लाइनों पे जब तक काम करेगी, अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बंद हो जाएगी। तो सीपीयू फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लाइट का एसी है, ग्राफिक एसी एग्जाम्पल के लिए, जब आपको डिस्प्ले पर लाइट दिखाना है या ग्राफिक दिखाना है तो सीपीयू सबसे पहले टाइमिंग भेजेगा क्लॉक की, उसके बाद यहाँ से डाटा भेजेगा और हर एसीयू के लिए अलग एड्रेस रहेगा, क्या रहेगा, जैसे कोरियर हम भेजते ना, कोरियर भेजते तो सबका एक एड्रेस रहता है, तो वो कोरियर वहीं जाके मिलता। तो अगर दो स्लेव है, तीन स्लेव है, कितने भी स्लेव रहने दीजिए, सीपीयू के पास एक पर्टिकुलर एड्रेस रहेगा सबसे बात करने के लिए। जैसे हमारा सबका एक नाम है, मेरे को अगर विशाल से बात करना है तो नाम बोल दूंगा, रंजीत से बात करना है, आकाश से बात करना है, डायरेक्ट नाम है ना मेरे पास बोलने के लिए, नहीं तो सब लोग एक साथ बात करेंगे, अगर मैं पर्टिकुलर नाम बोला तो पर्टिकुलर ही एक एड्रेस रखता अपने पास तो उन्हें उससे ही बात करती। ऐसा ही एक और एक स्लेव ले लिया हमें सेकंड, तो इसमें भी क्या है एक सेम क्लॉक की लाइन डाटा की लाइन। अब यहाँ तो मैं पर्टिकुलर एक डायरेक्ट स्लेव डायरेक्ट दो ट्रैक रख लिया, लेकिन मोबाइल में एक आईसी के साथ डायरेक्ट एक ट्रैक भी हो सकता और दो या तीन आईसी के साथ एक ही ट्रैक जुड़ के रहती, अगर इन लाइनों में शॉर्टिंग आ गई तो तीन के तीन आईसी पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे बंद, क्या हो जाएंगे लाइन में। अगर इस लाइन में अगर शॉर्टिंग आ जाए तो पहले ये आईसी उठाना है, नेक्स्ट कौन सा आईसी उठाएंगे सीपीयू, कौन सा उठाएंगे पैरेलल में कुछ है क्या कंपोनेंट, लेकिन कुछ कुछ मॉडल में पैरेलल में कभी डायोड दे देता, कभी कैपेसिटर भी देता, समझ रहे। तो पहले पैरेलल कंपोनेंट उठाएंगे, उसके बाद क्या उठाना है सीपीयू। तो ये तो मैं यहाँ पे एक सिंगल स्लेव के साथ एक लाइन बताया, एक और एक स्लेव साइड में बताया, अब हम देखेंगे एक ही लाइन तीन तीन स्लेव में भी जाती है, ठीक है नेक्स्ट देखेंगे उसको। तो इसके बाद थोड़ा इसको हटा देंगे, अब पर्टिकुलर केस में इसको भी देख लेंगे, एक और एक सेम वही सीपी ले लिए। अब यहाँ पे कितने स्लेव है इसमें तीन नाइसियां हैं, कितने तो सबसे पहले क्या लाइन आ जाएगी यहाँ पे क्लॉक, क्लॉक सिंक हमारा क्या होता है जाना सबको जा रहा है, अभी नेक्स्ट क्या भेजेगा सीपीयू डाटा, क्या भेज दिया डाटा, तो भेज दिया, लेकिन ये लाइनें काम कब करेगी पावर से, क्या मिलना है पावर से वोल्टेज, तो पावर से वोल्टेज मिलेगा तो बीच में क्या मिलेगा अपने 2.2 के रजिस्टर। डाटा की लाइन देखो क्या हो रही हमारी एक्सचेंज हो रही, मतलब इन्हें जब इसको बोलेगा काम करने के लिए, इन्हें काम करने के बाद सीपीयू को फिर बताएगी सर जी हम काम कर रहे हैं, समझ रहे, नहीं तो सीपीयू को मालूम नहीं होगा, सीपीयू इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर इन अब देखो तीन आईसीयू के लिए एक ही लाइन है, अगर दोनों में से कोई भी एक लाइन शॉर्ट हुई या कौन सी भी एक लाइन ब्रेक हुई तो तीनों के तीनों बंद हो जाएंगे। तो मोबाइल में क्या है ना, ऐसा क्लॉक डाटा की सप्लाई अपने को चेक करना है, अगर लाइट नहीं आ रही तो क्लॉक डाटा चेक करना, ग्राफिक नहीं आ रहा क्लॉक डाटा चेक करना, नेटवर्क नहीं आ रहा क्लॉक डाटा चेक करना, समझ रहे। नेटवर्क में आपको ये वोल्टेजेस रजिस्टर लगा के वोल्टेजेस नहीं देते, लेकिन बाकी सब सेक्शन में देखोगे आपको क्या मिलेंगे रजिस्टर मिलेंगे। एमटी के क्वालकॉम में दोनों में से एक में रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक में आपको रेजिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंटरनल वोल्टेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों में क्या चेक करना है जीआर, क्या चेक करोगे जीआर, तो जीआर कैसे चेक करोगे आप, कहाँ पे चेक करोगे जीआर, जीआर कहाँ पे चेक करोगे बीच में, बीच में क्या करेगा ये इस तरह से क्या दे देगा टीपी, क्या देगा अगर टीपी नहीं दिया तो बीच में क्या देगा कैपेसिटर दे सकता या फिर क्या देगा डायोड देगा, क्या देगा। अब बोलेगा सर एक मॉडल ऐसा आया मेरे पास ना तो टीपी है ना तो कैप है ना तो डायोड है, फिर इस लाइन को चेक कहाँ पे करेंगे, तो एक आईसी तीनों में से क्या करो एक आईसी को उठाओ, उठाने के बाद वहां पे क्या करना है आपको जीआर चेक करना है। तो यहाँ पे फिर भी जीआर में प्रॉब्लम आ रही तो फिर तीनों उठा के देखना है, समझ रहे, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो यही जीआर कहाँ मिलेगा यहाँ भी मिलेगा और यही किधर मिलेगा, तो तीनों को उठा के आपको तीनों के नीचे क्या चेक करना है जीआर। तो सीपीयू से जो जीआर आता है प्लस 400 to 700 कितना याद रखते हैं, अगर यहाँ पे जीआर कम हो गया यानी 250 आ रहा है
तो लाइन क्या हो गई लीकेज क्या हो गई 700 की जगह 1500 आ रहा है तो भी लीकेज इतना नहीं आकर मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है तो लाइन क्या हो गई शॉर्ट समझ रहे जब ये तीनों भी उठा लिए फिर भी बीप मिल रही तो क्या उठाएंगे क्योंकि बीच में कंपोनेंट रहे तो पहले तो कंपोनेंट देखेंगे नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट क्या उठाना पड़ेगा और सर सीपीयू का रखो ना सर जल्दी जल्दी काम कर लेते ना क्या बोलते होगा काम होगा क्या तो आपको ये लाइनों में पहले तो देखना है पैरेलल कंपोनेंट क्या देखेंगे पैरेलल कंपोनेंट अगर से नहीं है तो नेक्स्ट क्या उठाना है क्लिप्स क्या उठाएंगे फिर भी इन लाइनों में बीपी चारी तो फिर क्या उठाना है ऐसा रेयर कंडीशन में होता तुम बोलोगे सब में ऐसा होता क्या नहीं होता है जब सीपीयू पे कोई हीट मार दिए थोड़ा हिला दिए तब लाइनें क्या हो जाएगी शॉर्ट और ये लाइनों में अगर बीप आ गई या शॉर्ट हो गई या लीकेज हो गई तो ये इसी क्या हो जाएगी काम करना तीनों के तीनों बंद हो जाएंगे ऐसा आपको नेटवर्क सेक्शन में दो दो आईसीओ के साथ एक ही लाइन कनेक्टेड मिलेगी समझ रहे फोटो ले लो